हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन बार्डोइंग। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस लॉकडाउन में आप चींच को क्या खिला सकते हो। दोस्तों, ये एक सॉफ्ट फूड, इसमें है गुंदम, मूंग की दाल और मूसर की दाल। इसको आप अपने बाजिश को ऐसे साबुत ही दे सकते हो, मगर आप चींच को ऐसे साबुत नहीं दे सकते। चींच को आप कैसे इसको खिला सकते हो, आज मैं वही आपको दिखाऊंगा। चलो फिर शुरू करते हैं। इसको आप ऐसे ही अपने बाजिश को दे दीजिए और वो ऐसे ही खा लेगा, उसका कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने फिंच को खिलाने के लिए पहले एक मिक्सी में पानी देना पड़ेगा। ठीक है, साबुत पानी दे दीजिए, उसको एक बार घुमा लीजिए। इसमें क्या होगा, मिक्सी का जो धूल मिट्टी है ना, वो साफ हो जाएगा। ठीक है, और मिक्सी में आप और कुछ क्रश किया होगा तो उसका स्मेल भी चला जाएगा। पहले फिर आप इसको मिक्स के बाटी के अंदर डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डाल दीजिए, और इसको आप एक फाइन पेस्ट में तैयार कर लीजिए। ठीक है, मिक्सी में एक फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। फिर आपको ऐसा एक पेस्ट मिल जाएगा, मगर इसको आप साबुत अपने पिंच बाट को नहीं दे सकते। ठीक है, इसको देखिए, वो गुंदम सारे रात भिगाए ना, वो ठंड हो सकता है। फिर इसको आप थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दीजिए, इसका टेम्परेचर अभी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बड़ा वाला बाटल लीजिए और उसमें इस पेस्ट को थोड़ा सा डाल दीजिए। इस पेस्ट के अंदर आप चावल को डाल दीजिए, थोड़ा बहुत चावल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिलाइए, बहुत अच्छी तरह से मिला दीजिए। इसके अंदर आपको फिंच बाट को जो विटामिन, जो कैल्शियम, जो मिनरल चाहिए ना, ये सब मिल जाएगा, क्योंकि गंदम, मसूर की दाल और मूंग की दाल बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, इसको आप अपने बाट को दे दीजिए। पहला दिन तो थोड़ा कम खाएगा, मगर दो एक दिन में वो खाना सीख जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।